बाबा जी वापस आ गए तो सरकार बैठे सन। फरमाया ओए फरीद जी हुजूर, फरमा पुत्र सुने ऐलान सुने जी। बाबा जी सुने, फरमाया पुत्र तू नहीं वेखिया जन्नत भी तू है ते मेरा रोजा भी तू है, मेरा ते सब कुछ भी तू है, मेरा इश्क भी तू, मेरा मसलक मजहब तू, मेरा कुरान भी तू, बुरहान भी तू, मेरा सब कुछ तू है। ते बाबे ने सीने नाल ला के फरमा पुत्र जेड़ा ते उन्हें एक बारी वेखेगा ना वो जन्नती हो जाएगा। पुत्र जा जेड़ा तेरे दरवाजे च एक बारी लंघदा जाएगा वो जन्नती होंदा जाएगा। एने फकीर यकीन जानो जिदे गुलाम दी निगाह दा मकाम है, मुस्तफा दी निगाह दा मकाम कौन जानदा होसीगा। तो सुनिए ए बार तुर गया अबू जाल कहन लगा ओए गल सुन। उन्हें कहा जा परा तेरी कौन सुने जिदा अपना यार एडा सोहना होवे। उन्हें कहा यार तू गल ही नहीं कीती, हाथ भी नहीं मिलाया, कलाम ही नहीं कीता, ते तू किवें दिल दे बैठा है। आंदा उहदा चेहरा ही सच्ची आला है, तू झूठा है वो सच्चा है, तू झूठा है सच्चा है। हजरत हुजूर उठ के आ गए, एक कदम अब हबीब यमनी पुटिया ते वापस आया। ऐ दिल ते हाथ रख के गल सुन के ला जाओ, इजाजत चाह रहे हैं मेरे करीम नबी दी बारगाह च हाजिर होके। आंदा सुने और दिल दियां गल्लां जानन वाले आ, और चन्न दे टुकड़े करने वाले आ, पत्थरां नूं कलमा पढ़ाण वाले आ, सुखियां खजूरां उगा जाण वाले आ, और गुंगियां नूं गल्लां कराण जाण वाले आ। महबूबा वक्त दा बादशाह वा हबीब यमनिया बादशाह वा सखिया। लेकिन जदों घर जाना एक धी है, बड़ी मेहरबानी मेरिया मावां मेरिया बेटिया बुजुर्गो धिया वाले हो, गौर करे आज एक धी है जड़ी अखा तो वेख नहीं सकती, जबान तो सूफी साहब बोल नहीं सकती, हत्था तो कम काज नहीं कर सकती, पैरां तो चल नहीं सकती। हुजूर चन्न तोड़न वाले आ, सुखियां खजूरां उगा जान वाले आ, गुंगियां नूं गल्लां करार जान वाले आ। अगर मेरी बेटी ते भी नजरे करम दे ते मैं तेरे ते राजी जावांगा। वीर बैठे हो आओ मेरे जुड़े हाथ आमीना दे लाल ने फरमा जा बाबा हबीब यमनी घर जा, कदम रखना तेरा कम है, तेरी बेटी दी बनाई भी आई होवेगी, जबान भी आई होवेगी, जबान भी आई होगी। आओ मेरे नबी दे गुलामो, अगर हसन की गल है तो नाले सारे हसांगे, अगर रोण का मकाम है तो मेरे अपने नबी की इज्जत अजमत सुनो। जरा हजूर थोड़ी जी इको घटा दे, आवाज बढ़ा दे, बड़ी मेहरबानी। मेरे लजपाल नबी है कौन है नले सलाम से गुलामो, हबीब यमनी सवारी से बैठा मौलाना आशी शायद, इज हबीब यमनी बैठा है हर बात भाई सरफराज सुनी। जरा हर अपनी धी लई दुआ कर दिए यार, हर साल नवा मेरिया बेटिया दुआवा लैन लई, मेरिया मावा दुआवा मंगवा लई आंदियां ने, पीर जी दुआ करो अल्लाह मेरी धी भैन बच्ची दे मुकद्दर अच्छे करे, मैं भी आना हो। दुआ करो पीर जी मेरे भैन रिश्तेदार अजीज वकारे ते बख्त अच्छे होन। हर मां दुआ कर दिए हर बाबा दुआ कर दाए, हबीब यमनी जो सवारी से बैठे बाबा ही अकूम साल सवारी से बैठा जाके दरवाजे से दस्तक दिती है। जेड़ी बेटी बोलती नहीं सी अज आवाज दे की आंदी है मरो दक्कल बाप दरवाजे से आने वाले कौन है, आवाज ही बेटा तेरा बाप हबीब यमनी आया हुआ। इज दरवाजे से बच्ची आवाज दे की आंदी है बाबा रुक जाई गुसल पे करनी आ, जड़ी बोल नहीं सी सकदी अज जदू तोतरी जबान नाल बोलिए बाप दियां ठाइयां निकल गईयां। थोड़ी देर ते बाद जड़ी बच्ची दे सर ते दुपट्टा नहीं सी अज अपने हत्था नाल इज्जत दी चादर रख के दरवाजा खोल दी है। ओए मौला तुहाडियां बच्चियां दी इज्जत सलामत रखे यार, सैयदा जहरा बीबी पाक बतूल दा सदका, अल्लाह कदी किसी मां बाप नूं धी दा दुख ना दिखाए यार। मियां साहब फरमांदे ने धीआं लई परदेस
ਉਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਕੀਰਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਥੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੰਗਾਂ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜੋ ਦੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਮੌਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਬਦਨਸੀਬ ਬਾਪ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ ਬਦਨਸੀਬ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ 400 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀਰ ਬਦਬਖਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀਆਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਅੰਮੀ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਧੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਦੋਂ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਕਦੀ ਧੀ ਪਿਉ ਦਾ ਗਲਾ ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਪਿਉ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਗਿਆ ਹੱਥ ਯਮਨ ਤੇ ਫੇਰੇ ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ
उस दिन ईद मुबारक हो से जिस दिन फेर मिलांगे। मेरे हाथ साथ भुख में सरेगी दा दफन पढ़ना पिया चुमो चुमो दिलो चुमो नाम आका दा बोझ नहीं बनना कदा। आखिर बारी मेरे नाम मिलके ख्याल रहा चुमो चुमो दिलो चुमो जी 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 चुमो चुमो दिलो चुमो 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 दिलो चुमो नाम आका दा चुमो चुमो दिलो चुमो नाम आका दा तो सच नहीं वजना गुलाम आका। गिरामी कदर हजरात हबीब यमनी खुदा दी कसम है अखां दी बिनाई वापस आ गई बेटी जबान दा ताला खुल गया। बाप पूछन लगा ने थी ये तेरी जबान दा ताला किने खोलिया। कहन लगी बाबा आ ते मैं दसां इक सोहणियां जिहियां जुल्फां वाला आया सी। ईमानदारी नाल दसो बेटी किड्डे बख्तां वाली है जिहदे घर जहरा दा बाबा आ जाए यार जिहदे घर जहरा दा बाबा आ जाए सलामुल्लाह अलैहा। ये मेरे मुस्तफा अल्लाह दी दलील बन के आए अल्लाह दे महबूब दी दलीला कदी हबीब यमनी दी बेटी बन के आवे कदी चन मुहम्मद दे टुकड़े करदा हुजूर दी उंगली नाल इशारा होवे ते चन मुहम्मद दी दलील बन के आवे कदी मेरे नबी दी बारगाह च बीबी हाजिर हो जाए सुन ये मुंडा बोलदा नहीं। सरकार ने चुटकी लाके फरमाया पुत्र तेरी मां शिकायत भी कर दी है उन्हें सब तो पहला मेरे नबी का नाम जपया ते मां चंड मार के आंदी है पुत्र मेरे सरदार दे सामने ते बोलता नहीं से फरमाया अम्मा वो झूठा सी जेड़ा सच्चा है उसके सामने बोल पिया वा जेड़ा सच्चा है उसके सामने बोल पिया। मेरे आला आदर फरमान ने सबसे आला गो आला हमारा नबी सबसे आसी साहब का हुक्म सी मैं वरना छोड़ देता सी सबसे आला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और मुल्क कोने में अल्लाह नबी ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदार सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा जिदा दिल नहीं करदा ना बोले आज जिदा ना दिल करदा बोलो सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे वाला हो आला हमारा। मैं केड़ी केड़ी गल करा अपने महबूब की अजमत की खुदा दी कसम मकामे चराना ते हुजूर बैठे ने एक बुढ़ी जी अम्मा आ गई बेकदरां लोकां कदर न कीती ते कीता खूब तसल्ला हो अम्मा आ गई हुजूर ने चादर बिछा अम्मा जी इत्थे बैठो। सवा लख सहाबा पुछदे ने हुजूर मई दे गोडे पे दबाए मापिया नूं गालियां देण वाले बद नसीबा बुढ़ी मां नूं आके अम्मा तू अकल दी पागल हो गई है तेरी अकल ही मारी गई पुछ मेरे नबी तू जिसने मां दा अदब यकीन जानिए मेरे करीम नबी अलैहि सलाम ने बड़ी खिदमत की थी। ओए सजना ईमानदारी नाल दसो मां भावे बुढ़ी होवे ना ते बाबा भी बुढ़ा हो जावे मुंडा ते मां जदों भी वेड़े मिलन जाएगी कदी पुत्र दा मत्था चूमेगी पुछो बाबा बैठा अगर मां जींदी है ना ते पुछो अज भी बाबा बुढ़ा चिट्टी दाढ़ी वाला पुत्र नु मिलन जाए पुत्र भावे जिड्डा भी बेअदब होवे अपने पुत्र दा बाप मत्था चुम के आंदा। मैं सियाल शरीफ आस्थाने ते गया यकीन जानी उत्ते मैं बाबा जी मई ते बाबे नु तकिया ते बाबा रोटियां मंग मंग के आखे जी मौलवी साहब कुछ दित्ती जाओ भुखा तीन दिन हो गए बाबा जी कितों आयो फलाने पिंड चो आयो ते पुत्र पिंड दा नंबरदार है
तीन दिन हो गए ने दरबार ते छड़ गया क्यों के मेरी बीवी आंदी है मामा ते बाबा बुड्ढे दोवें घर विच खंगदे ने हुजूर दी हदीस पा के मापे घर विच खंगदे भी रहण ते खुदा दी रहमत होंदे ने मेरे भाइयो मेरी बहनो मेरी बेटियो मेरे जुड़े हाथों ते नाल अगर इन दुआ च कोई जीवंदा ते इन दी कदर कर वरना कब्रिस्तान आज जांदे तेनू डर लगदा जे तू फ्यू दी कब्र ते जाएगा मैं तेनू पूछूं किवें जाना मैं तेनू पूछूं तू किवें जाएगा सरकार ने चादर बिछाई हुजूर दबान लग पाए मई साहिबा कदी झुरियां वाले मुंह नाल मथे ते रेवड़ पै चुके ने त्रेवड़ ने मई दे हाथ ते झुरियां मेरे नबी दा गला चुमदी है कदी सरकार दा मुंह मथा चुमदी है सैयदना फरूक आजम जैसी हस्ती वेख के आंदे ने वाह वाह मई तेरे तो सदके जावा तू किड़े पख्ता वाली मई है अज उस नबी दा मुंह पे चुमदी है जिहड़ा सारे नबियां दा इमाम बन के आया है सारे नबी दा इमाम बन के आया यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है जब मई साहब टुर गई सवा लख सहाबा मेरे नबी दी बारगाह च हाजिर हो गए मदीने दे ताजदारा ए मई कौन है हजूर फरमान तुम इस मई नु पहचाणिया नहीं अर्ज की कमली वाले नहीं पहचाणिया फरमाए ओ मई है जिदे सीने ते लेट के मुहम्मद दूध पींदा रहा जिदा नाम अम्मा हलीमा सादिया है जिदा नाम अम्मा हलीमा सादिया है मैं आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाह रहा हलीमा मैं दे दे मुकद्दर तू सदे अगर जौक मेरा दिल करता पिया यार हलीमा दे दे जिन्हां दे मावा सलामत ने उन्हां नूं सामने रखो जिन्हां दे टुर गईयां नूं दुआ बख्शे बख्शिश वास्ते दुआ करो आखो जरा हलीमा दे दे मुकद्दर तू सदके तू मदनी दा जो मेरे वाल वेखो परेशान नहीं होना गल छोड़ रहे हैं हली माम दे दे अगर तुहाडा शौक होवे तो एक बार तुसीं ही पढ़ लो बंदे नो दावत नहीं जिन्हों अल्लाह जबान दी जो नबी दी मां दे जिक्र ते खुश बोले हलीमा अज जिंदा नहीं कदर कर बाद च कुल कराण दा तेनू कोई फायदा नहीं और लखां रुपया सुटण दा हलीमा मैं दे दे मुकद्दर तू सदके सोहने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी चुमदी ते रहिए तकदी भी हो से आखिरी बारी सारे आखो हलीमा दे दे मुकद्दर तू सदके जी 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 हलीमा दे बहुत शुक्रिया वक्त बहुत गया अगले साल साढ़े मेहमान ही ना हो
अल्लाह तनु सलामत रखे सैयदा ज़हरा फातिमा। असी सैयदा दे नाल लैंदी मिट्टी दे भी नौकर, खुदा दी इज्जत दी कसम ओ बीबी है इक दिहाड़े दोनों मां धियां बैठिया ने अम्मी आयशा सिद्दीका और सैयदा ज़हरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी जान ने गल कर छड़ी अम्मी आयशा सिद्दीका सरकार फरमाने लगती है ए दस तेरा मकाम आला या मेरा मकाम आला है, मेरा मकाम आला या तेरा मकाम आला है। गल सुनिया जरा गौर नाल मुख्तसर जनाब सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने फरमा लिया थी ये मेरा मकाम ज्यादा है। सैयद ज़हरा फातिमा कहने लगी अम्मी जी मेरा मकाम ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैं रसूल दी थी हां अली दी बीवी हां। अपने शोहरां ते नाज़ करया करो मेरी बेटियो, ते शोहरां नूं भी अकल करनी चाहीदी है। अल्लाह ने तेनूं अगर ये बख्त हुजूर दी सुन्नत अदा कीती हो ते उस धी भैण दी कदर कर जिहनूं घर च लैके आया, तेरी धी भैण दी कदर अगले घर होवेगी। ए गल ज़हन च रखी, किसे दियां नूं तू चंडा मार, तेरी नूं पवे ते तेनूं दर्द हुंदा है ना, ना मेरा भाई, भाई, जिदे घर बेटी आ जाए ओ ते बाप कह के छड़दा पुत्र तेरी लाश होनी चाहिदी है मेरे घर। ते जिस बेटी नु सुबह तो लेके शाम तक जेडी सस मां मथा मुंह चुमदियां थकदी नहीं सी, अज ओदे हाथ दी रोटी खाना भी पसंद नहीं करदी मेरी मां, क्यों? जेड़ियां घर वाले दियां भैणां भाभी भाभी करदियां थकदियां नहीं सन, अज थालियां लैदा हो गईयां। वजह ओदी वजह है वे जदों घर दे विच जिहदियां बीबियां आखणगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ओ घर कदी नहीं चल सकदा। मेरी बेटी तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं, तेरा जिस्म तेरी मर्जी खुदा दी मर्जी, वरना मैं बड़े बड़े नो कहर च डिगदा वेखे अजाब विच वेखे। बार कैफ बात लम्मी हो जानी है, बहुत टाइम हो गया वीर। मैं मुस्तफा दी तियां अली दी बीवियां, मेरे नबी करीम दी ज़ौजा ने फरमाया ज़हरा बेटी सुन फिर, अगर तू नबी दी ती है तो मैं तेरे उस बाप दी बीवी हां।